मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान अभी से तेज हो रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर पलटवार किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि गोविंद सिंह भूल जाते हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष कैसे बने। उन्हें विधायकों ने नहीं चुना, वरिष्ठ होने के चलते उन्हें ये पद दिया गया। 2 दिन पहले गोविंद सिंह से मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि कांग्रेस में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। इसके जवाब में गोविंद सिंह ने कहा था कि लोग तो उनका नाम भी लेते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने इसी बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। वर्मा शनिवार सुबह देवास पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, विधायक जिस व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा होते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वर्मा ने आगे कहा कि गोविंद सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे पार्टी में आए। समाजवादी 2 तरह की विचारधारा के होते हैं, वे समानता और सर्वधर्म की बात करते हैं। समाजवादियों का विचार ये होता है कि मैं अपने साथ जो व्यवहार चाहता हूं वही दूसरे के साथ करना चाहिए, यह असली समाजवादी चिंतन है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष कैसे बने हैं। वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम जनता की भावना कमलनाथ के साथ है। कमलनाथ और कांग्रेस के नाम पर इस बार वोट पड़ेंगे। कमलनाथ ने 1.5 साल सरकार चलाकर जिस तरह का काम MP में किया वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किया था तो इनकी सरकार गई पिछली बार 2018 में। अब महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार किया है 2023 में इनकी सरकार को फिर आने वाली। इसी धर्म क्षेत्र उज्जैन में जहाँ 12 साल में सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ की वो भूमि जहाँ सेटेलाइट टाउन बनाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े धर्माचार्यों के पंडाल लगते हैं, उस सिंहस्थ की धर्म भूमि को इन्होंने मास्टर प्लान लागू किया उज्जैन का, उसमें आवासीय घोषित कर दिया, मतलब भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी। नियम तो नहीं बोल सकता लेकिन ये है यथार्थ कि हर 12 साल में जब सिंहस्थ आता है तो सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि सैकड़ों एकड़ और बढ़ाई जाती, धर्म क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 के सिंहस्थ में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। तो ये भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए सिंहस्थ क्षेत्र को शिवराज की सरकार उस धर्म क्षेत्र को समेटती जा रही है, और धर्म के ठेकेदार शिवराज भी बनते हैं और नरेंद्र मोदी भी बनते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि नकली धर्मवाद अब नहीं चलेगा। बजरंग मल्ली का नाम लेके धर्म का राजनीति का शिकार करोगे नहीं चलेगा, कर्नाटक की जनता ने उल्टा दिया। आज मैं जिस जगह देवास में खड़ा हूँ, माता की टेकरी, यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। दोनों जब हमारे 9 दिन के उपवास करते हैं, 9 रात्रे में लाखों करोड़ों लोग आते, आज वहाँ पाथवे सारा पाथवे उखड़ चुका है। मूर्तियाँ भद्रंग हो गई, मूर्तियाँ टूट रही हैं। बारिश के दिनों में खड़े रहने का स्थान नहीं है। सिर्फ वो काम करा रहे हैं यहाँ पे प्रशासन और शासन कि जिससे उनका महिमा मंडन किया जा सके। तो आज आपसे मुखातिब होने का यही सबसे बड़ा कारण है कि ये नकली धर्मावलंबियों ने धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। ना मोदी का एक सवाल किया, अगर हार गए तो क्या? अखबारों में खबर लगी है, कल भी लगी थी, मैं पढ़ रहा था अखबार में। उन्होंने कहा कि हार गए तो क्या, उनका पहला गोविंद सिंह जी का ये था कि मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, विधायक जिस व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा होते हैं उसको मुख्यमंत्री उनकी राय से बनाएंगे। गोविंद सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारी कांग्रेस पार्टी में आए, समाजवादी DNA, 2 तरह की लोहिया के विचार वाले, बहुत ही मैं कहूँ कि समानता की बात करते हुए, सर्वधर्म की बात करते हुए चलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हम भी दूध के जले हुए हैं,
समाजवादी पार्टी के छतरपुर से भी एमएलए जीते थे 2018 के चुनाव में, बबलू शुक्ला। समाजवादियों की विचारधारा कभी भी ऐसी नहीं रही कि भाजपा से मेल खाए, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए। डॉक्टर समाजवादी का ये चिंतन होता है कि मैं अपने साथ जो व्यवहार चाहता हूँ वही व्यवहार मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए, ये असली समाजवादी चिंतन है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना? आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहा था। और कमलनाथ जी की सरकार ने फैसला दिया था इसके, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरे शब्द ये नकली धर्म के ठेकेदार जब नरेंद्र मोदी जी से महाकाल लोक का उद्घाटन कराया तो महिमा मंडन कर रहे थे कि देखिए बीजेपी किस तरह धर्म क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कर रही है, किस तरीके से हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि मैं कमलनाथ जी की सरकार में उज्जैन का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी को मैं लेके गया, तब इन्होंने DPR 97 करोड़ की बनाई थी मात्र। इन्होंने जब DPR बनाई तो इन्हें टेंडर जारी क्यों नहीं किया? बीजेपी की सरकार थी 2018 में, इसलिए नहीं कर पाए कि खजाना खाली कर चुके थे, खोखला हो चुका था। हमारी सरकार आती जब मैं कमलनाथ जी को ले गया तो उन्होंने 97 करोड़ तो कुछ नहीं होगा, यदि करना है ढंग से इसका विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण तो लगभग 300 करोड़ रुपये लगेंगे। उन्होंने तत्काल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करके टेंडर जारी हुए, और इसमें कर्नाटक में तो 40% का भ्रष्टाचार में सरकार गई है। 97 करोड़ का टेंडर, इसमें नियम यह है कि यदि आपको इसकी राशि बढ़ाना है, कुछ लगता है कि कुछ आइटम और बढ़ाए जा सकते हैं तो 10% ही बढ़ा सकते हो, लेकिन भ्रष्टाचार करना था तो 97 करोड़ का जो ठेका था 97 करोड़ और बढ़ा दिए बिना तो इसी टेंडर वालों को, इन्हीं ठेकेदारों को दे दिया। ये 100% का भ्रष्टाचार हुआ जो आपके सामने दिख रहा है कि महाकाल लोक की दुर्दशा होती है।